हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज मैं ऐसा उपाय आपके सामने लेकर के आया हूँ कि जैसे आप जानते हैं अभी दिवाली के पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है अपनी जो तकलीफ है, धन संबंधी सब तकलीफ है, अपनी जो गरीबी है उससे मुक्ति पाना, धन प्राप्ति करना, हर व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता कि इन दिनों में हर व्यक्ति सोना या चांदी लेकर के आए अपने घर में, उसकी विधिवत पूजा करे और धन की प्राप्ति करे या उसको ऐसे अवसर प्राप्त हों। तो हमारे शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ें बताई गई हैं कि आप इनके बिना भी पूजा पाठ कर सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं है, लेकिन अगर आप उनको पूरी श्रद्धा के साथ घर में लेकर के आते हैं, विधिवत पूजा अर्चन करते हैं, तो भी आपको उससे कई गुना अनेक गुना फल आपको प्राप्त होता है। और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप वास्तव में ऐसी सारी चीज़ें लेकर के आएंगे और इन चीज़ों से पूजा रचना करेंगे तो आपकी तरक्की दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएगी। तो ऐसी ही एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है, हर व्यक्ति उसे खरीद सकता है, हर व्यक्ति उसे पूजा अर्चना कर सकता है और अपनी मनोकामना जो है धन संबंधित उसको पूरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कमलगट्टा एक ऐसी वस्तु है कि कमलगट्टा यदि आप लेकर के आते हैं, कमलगट्टे की माला और कमलगट्टा ये यदि आप लेकर के आते हैं और इससे यदि आप विधिवत पूजन अर्चन करते हैं तो आपको हर वो मनोकामना आपकी सिद्ध होगी, पूरी होगी जो आप चाहते हैं। कमलगट्टे की माला ले आइए और कमलगट्टा ले आइए। ऐसा माना जाता है कि कमलगट्टे को घी में भिगो करके अगर उसकी 108 आहुति दी जाए तो आपकी धन संबंधित हर मनोकामना माता लक्ष्मी पूरी करती हैं। कमलगट्टे की माला से ही माता की पूजा अर्चना कीजिए। मैंने एक अंत में मंत्र दे दिया है, यदि हो सके तो आप इस मंत्र की इस ही माला से एक माला कीजिए और कर सकते हैं। लोग 21 दिन तक भी इसका लगातार करते हैं, 11 दिन तक भी करते हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आ रहे दीपावली के पर्व, तो आप धनतेरस से प्रारंभ करके भाई दूज तक 5 दिनों तक लगातार यदि आप इसकी पूजा करते हैं जो मैंने मंत्र दिया है, तो माता लक्ष्मी आप पर निश्चय ही अपनी कृपा बरसाएंगी और आप धन धाने से फल फुलित हो जाएंगे। माता कमलगट्टा जो है उसको आपको घी में डुबो करके अंतिम दिन यानी भाई दूज वाले दिन जो आपने लगातार 5 दिन मंत्र किए थे, एक एक माला की थी, उसी एक माला के आपको हवन करना है और कमलगट्टे की आहुति देनी है। इतना करने से आपकी धन संबंधित हर समस्या दूर हो जाएगी और आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।